ओके, लेट्स बिगिन देन। हम बात कर रहे थे जी द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोकेशंस। तो नॉन कंपोजिशनैलिटी, नॉन मॉडिफाइबिलिटी, नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से भी देखा है कि ना ही इंडिविजुअल वर्ड्स इनके चेंज हो सकते हैं, ना ही इंडिविजुअल मीनिंग्स इनका फुल मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और ना ही किसी तरह की कोई इनके वर्ड्स में कोई मॉडिफिकेशंस, एडिशनल वर्ड्स भी ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ जी हमारी बात एंड हुई थी। ओके, सो जो ये कॉलोकेशंस हैं, ये वेरियस फॉर्म्स में हमें नज़र आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स दे अकर विद फ्रेजेज विद लाइट वर्ब सच एज मेक, टेक, डू, एंड वर्ब पार्टिकल फ्रेजल वर्ब कंस्ट्रक्शंस, टू गो डाउन, टू चेक आउट, मेक अप न्यू स्टोरीज। टू गो डाउन से क्या मुराद होती है? सर टू लोअर द क्वालिटी, मतलब इसी तरह का कुछ मीनिंग बनता है इसका। यस, लेकिन जो अगर कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई क्रैश हो जाए ना कोई चीज़, जैसे कोई स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुई है, कोई प्लेन क्रैश हो गया है, या कोई जिस तरह से, तो उसको भी गो डाउन का वो मीनिंग लेते हैं। तो समथिंग दैट हैज़ क्रैश्ड, टू चेक आउट, किसी चीज़ को चेक करना, मेक अप न्यू स्टोरीज, वही बात आ गई ना। अब आप देखें ना, मेक अप न्यू स्टोरीज, चार डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे आते हैं तो इनका एक और मतलब हो जाता है। तो प्रॉपर नाउन, जैसे ये नेम है, क्यूनी सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, चार डिफरेंट वर्ड्स हैं, मगर जाहिर है वही किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, तो वो भी उनको इकट्ठा आना चाहिए, इकट्ठा जो है वो एक मीनिंग आएगा उनसे। तो इसी तरह से टर्मिनोलॉजिकल एक्सप्रेशंस में हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर या वेब क्रॉलर, देखे ना, वेब क्रॉलर, वेब ब्राउजर, जो कोई भी आप वेब ब्राउजिंग करने के लिए यूज करते हैं, ये सारे जो हैं, अगेन दीज आर कॉलोकेशंस। व्हाई स्टडी कॉलोकेशंस? ओके, एनएलजी, नेचुरल लैंग्वेज ग्रामर या जनरेशन, द आउटपुट शुड बी नेचुरल। स्ट्रॉन्ग टी इज नॉट इक्विवेलेंट टू पावरफुल टी, पावरफुल टी कैन नॉट रिप्लेस स्ट्रॉन्ग टी। एंड लेक्सिकोग्राफी, Identify collocations to list them as in a dictionary to distinguish the usage of synonyms or near synonyms. So, lexical meaning में language के अंदर एक dictionary के अंदर इनको store कर देना, और वहाँ पर भी इनको इनको जो है वो collocation की शक्ल में ही store करना, ताकि dictionary में भी जो word आए वो ये इकट्ठे आए words। और इनका अगेन बताना कि सिनोनिम्स एंड नियर सिनोनिम्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, टू स्टडी सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग, सिगरेट्स, टी, कॉफी। ये वैसे बाय द वे, जो स्ट्रॉन्ग का वर्ड है, इन तमाम के लिए इस्तेमाल होता है, स्ट्रॉन्ग सिगरेट्स, स्ट्रॉन्ग टी, स्ट्रॉन्ग कॉफी। रिकॉर्डिंग ऑन है जी। ओके, अ नॉट ऑन नियर सिनोनिमी, टू डिटरमिन इफ टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स, प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, वही अप्लाई करके देख लें कि वो सिनोनिम्स हैं कि नहीं हैं, और आपको सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का प्रिंसिपल तो पता चल गया पिछली स्लाइड्स में। टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स if they can be substituted for one another in some or any sentence without changing the meaning or acceptability of the sentence. For example, how large or big is this plane? वैसे by the way, big and large can be replaced here. ये दोनों replaceable हैं। आप how big is this plane भी कह सकते हैं, आप how large is this plane भी कह सकते हैं। So big or large जो हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी में इस्तेमाल करके इनको देख लें कि क्या बिग अगर यहाँ आ जाए और लार्ज को हटा दिया जाए, और या फिर लार्ज आ जाए बिग को हटा दिया जाए, तो क्या इसके मीनिंग पे कोई फर्क आएगा? तो वो अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये दोनों सिनोनिम्स हैं। वुड आई बी फ्लाइंग ऑन ए बिग, लार्ज और स्मॉल प्लेन, वही बात आ गई। मिस नेल्सन बिकेम ए किंग, काइंड ऑफ बिग लार्ज सिस्टर टू टॉम। बाय द वे, बिग और लार्ज सिस्टर के मीनिंग में भी ये इस्तेमाल होता है।
एंड आई थिंक आई मेड अ बिग मिस्टेक आई थिंक आई मेड अ लार्ज मिस्टेक तो यहाँ पर वैसे बाय द वे बिग मिस्टेक ही ज़्यादा कॉमनली यूज होता है लार्ज मिस्टेक जो है ये यूज नहीं होता सो यहाँ पर ये नेयर सिनोनिम नहीं बनेगा इसका Okay, approaches to finding collocations. अब the real जिसे कहते हैं task of this topic is actually to find out के ये जो जो हमारे पास जो group of words हैं क्या ये किसी collocation को form करते हैं कि नहीं करते हैं तो इनको identify करने के लिए we will be using different actually methods जिसके अंदर mean variance hypothesis testing ये जो दो methods हैं ये statistics के methods हैं एंड फ्रीक्वेंसी जो है ये बहुत आसान है ये जस्ट आपने काउंटिंग करनी है एंड देन वी हैव म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एम आई जो कि इंफॉर्मेशन जो है वो डोमेन से ये टेक्निक आती है सो वन बाय वन इनको देखते हैं कि जी किस तरह से वी स्टार्ट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी देन फिर हम आसान जिसे कहते हैं चीज़ों से स्टार्ट करेंगे और फिर हम एम आई तक आखिर तक पहुँचेंगे जी तो द टारगेट इज कि हमने आइडेंटिफाई करना है जी अब कि जो ग्रुप आ रहा है जैसे स्ट्रॉन्ग टी है क्या स्ट्रॉन्ग टी जो है वो एक कॉलोकेशन है कि नहीं सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है ये अगेन ये 1995 का ये पेपर है हाइपोथेसिस और इसकी बेसिस क्या होगी हाइपोथेसिस किसको कहते हैं मफरूजा फर्ज करना मफरूजा फर्ज किया जाए यानी हम कहते हैं कि लेट अस सपोज दैट कि हमारा हाइपोथेसिस ये हम सपोज करते हैं टू वर्ड्स अकर टुगेदर वेरी ऑफन से मुराद ये इकट्ठे बहुत दफा आते हैं दे मस्ट बी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोलोकेशन ये हाइपोथेसिस है जी हमने इसको या तो प्रूव करना है या हमने इसको डिसप्रूव करना है ओके तो यानी इसकी बेसिस क्या होगी कि अगर दो वर्ड्स हमारे पास लिटरेचर में या राइटिंग में ज़्यादातर जिसे कहते हैं वेरी ऑफ्टन अगर वो इकट्ठे आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि दे कुड बी गुड कैंडिडेट्स फॉर ए कोलोकेशन मेथड क्या होगा इसको करेंगे कैसे सेलेक्ट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग बाइग्राम्स सीक्वेंस ऑफ टू एडजेसेंट वर्ड्स लें जी अब आप ये भी नोट कीजिएगा एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है जी बाइग्राम और बायोग्राम होता है सीक्वेंस ऑफ टू एडजेसेंट वर्ड्स इसी तरह से एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ पर एनएलपी में यूनिग्राम यूनिग्राम का मतलब होता है सिंगल वर्ड और इसी तरह से एक और वर्ड बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है दैट इज कॉल्ड ट्राइग्राम ट्राइग्राम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री वर्ड्स इसी तरह से इसकी जनरलाइज फॉर्म में एनग्राम भी यूज होता है यानी एन नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि इकट्ठे आ रहे हैं सो बायोग्राम से मुराद क्या है बायोग्राम से मुराद ये है सीक्वेंस ऑफ टू एडजेसेंट वर्ड एडजेसेंट मतलब जो नेबर्स हैं जो इकट्ठे आ रहे हैं एक दूसरे के साथ अगर वो दो वर्ड्स हैं तो हम दो वर्ड्स की यहाँ बात करते हैं अगर तीन वर्ड्स हैं तो फिर हम ट्राइग्राम की बात करते हैं हम देखेंगे तीन वर्ड्स इकट्ठे तीनों कितनी दफ़ा आ रहे हो अगर ये बहुत दफ़ा तीन जो वर्ड्स हैं इकट्ठे आ रहे हैं इसका मतलब है कि दे कुड बी एन इंटरेस्टिंग कैंडिडेट फॉर कोलोकेशन तो हाइपोथेसिस जी देख लिया हमने हम चेक करेंगे बताएंगे फ्रीक्वेंसी जानेंगे और मेथड फिर हमने बता दिया कि हम बायोग्राम को देखेंगे यानी दो वर्ड्स की बात करें ओके सो फॉर एग्जांपल काउंट ऑफ वर्ड वन लेट्स अ वर्ड वन जो है यहाँ पर नोट कीजिएगा डब्ल्यू वन मीन्स पहला वर्ड ऑफ एंड डब्ल्यू टू मीन्स सेकेंड वर्ड द ऑफ द इकट्ठा आया और ये सी ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू मतलब काउंट है ये फ्रीक्वेंसी है काउंट से क्या मुराद है जी फ्रीक्वेंसी ओके काउंट हो गया फ्रीक्वेंसी होगी मतलब इनकी नंबर कितना है ओके इन ये इकट्ठे कितने दफा आ रहे हैं एक टेबल दिया गया यहाँ पर और ये नोट करेंगे कि इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग चीजें जैसे ऑफ द इकट्ठा आता है क्या ये कॉलोकेशन है और नोट कीजिएगा काउंट इसका किसी एक कॉर्पस से लिया गया ना ये नहीं बताया हुआ यहाँ पर कि किस जगह से लिया गया है कि ये डेटा हमारे पास कहाँ से आ गया ये नंबर्स कहाँ से आए हैं लेट्स से कि कोई कॉर्पस है कोई डेटा सेट है कोई आर्टिकल है कोई न्यूज़पेपर की वो डिफरेंट जो है वो हैं पेजेस हैं वहाँ से लिया गया है तो वहाँ से पता चला जी सबसे ज़्यादा मरतबा ऑफ द आता है
इन द टू द नोट कीजिएगा ये सारे जो हैं इंस्टेड ऑफ दिस अगर देखा जाए वॉर से तो बाकी कोई भी इनमें से जो है वो बाय ये सारे बायोग्राम्स हैं दो वर्ड्स हैं फॉर ए हैज बीन इज ए एज ए बट इनमें से कोई भी हम जिसको कहेंगे बायोग्राम नहीं है ये सॉरी ये कॉलोकेशन नहीं है हाँ न्यूयॉर्क इज ए कॉलोकेशन क्योंकि न्यूयॉर्क कट्ठा हमेशा वर्ड आपको मिलेगा और बाकी के जो है ये फंक्शन वर्ड्स हैं फंक्शन वर्ड जो ऐसे वर्ड जो जिनका ग्रामर के अंदर खास मीनिंग होता है जो खास फंक्शन होता है उसके साथ वो रिपीट होते हैं ऑफ द इन द टू द ऑन द इसी तरह से एंड सो ऑन सो अब नोट कीजिएगा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं काउंट की बात करते हैं तो ये जो फंक्शन वर्ड्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है इससे तो हमने बात की थी जी कि जो ज्यादा मरतबा इकट्ठे आएंगे तो ज्यादा मरतबा तो ये इकट्ठे आ रहे हैं शुरू वाले लेकिन असल में जो है वो जो नजर आ रहा है जो एक कॉलोकेशन है जो इंटरेस्टिंग दो वर्ड्स है वो न्यू यॉर्क और न्यू यॉर्क का तो आपको पता ही होगा ना ये सिटी है जी यस सर जी चलें तो इसी तरह से ये फोर मंथ्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज वायर है जी ये न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत मशहूर न्यूज़पेपर है ये उसकी उन्होंने कहा है कि जी फोर मंथ्स का उन्होंने डाटा उठाया हुआ उसका तो ये सारे जो हैं ये फंक्शन वर्ड्स हैं पहले हम देख चुके हैं और सेलेक्टिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग बायोग्राम्स इज नॉट ऑलवेज सिग्निफिकेंट ये देखें क्योंकि वो देख चुके हैं हम ये कि जी सारे के सारे जो हैं ये फंक्शन वर्ड्स हैं इनमें तो हम इंटरेस्टेड हैं ही नहीं हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन निकली है वो एक ही है प्रॉबेबली ओके रॉ फ्रीक्वेंसी सी डॉट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग इन द कॉर्पस तो ये जो सी डॉट होता है सी डॉट से मुराद ये है कि समथिंग डॉट की हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं या काउंट निकाल रहे हैं सो ये वही बात है जो हमने पिछली स्लाइड में जो है वो डिस्कस की है जी क्वेश्चन है तो बेटा मुझे बताते जाए नो सर फिलहाल तो नहीं ओके ऑलराइट ऑलराइट जी लेट्स मूव अहेड इसका मतलब है कि काउंटिंग का जो मैकेनिज्म है वो परहैप्स इतना अच्छा मेजर नहीं है फॉर फाइंडिंग कॉलोकेशन तो एक वेरिएशन जो इसमें की जा सकती है वो ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ दी पीओएस फिल्टर लगा दें ठीक है ना और पीओएस स्टैंड्स फॉर पार्ट ऑफ स्पीच पीओएस स्टैंड्स फॉर पार्ट ऑफ स्पीच तो पार्ट ऑफ स्पीच ओके ये पार्ट ऑफ स्पीच से मुराद क्या है जैसे एडजेक्टिव है ए प्रपोजिशन है नाउन है प्रोनाउन है वर्ब है एंड सो फोर्थ सो अगर हम इसको इसके साथ अटैच कर दें पार्ट ऑफ स्पीच तो ये पीओएस फिल्टर से मुराद ये है कि कोई एक ऐसा फंक्शन ऐसा क्लासिफायर जो हमें पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ में बताता जाए यानी जो वर्ड आपस में आ रहे हैं उनको ये भी बता जाए जैसे न्यू है ये वो बता रहा है ए एन जो है वो लीनियर जो है वो फंक्शन है तो ये क्या बनता है वैसे ए एडजेक्टिव है और एन नाउन है वो कहता है ए एडजेक्टिव है और एन नाउन है इस तरह से ये देख रहे हैं आप ये टैग पैटर्न से मुराद ये है कि ये पीओएस टैग बता रहा है इसका इसको हम कहते हैं पीओएस टैग पीओएस फिल्टर तो न्यू एंड योर और साथ में फ्रीक्वेंसी ले लें फिर साथ में फ्रीक्वेंसी को इसके साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए तो दैट कहते हैं कि जी के मोर एक्चुअली इंटरेस्टिंग जो है वो कॉलोकेशन न्यूयॉर्क है यूनाइटेड स्टेट्स ये इकट्ठा आता है जी लॉस एंजलिस इकट्ठा आता है जी लास्ट ईयर ये भी आप देखोगे इकट्ठा आता है सऊदी अरेबिया इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट पर्शियन गल्फ सैन फ्रांसिस्को प्रेसिडेंट बुश मिडल ईस्ट सद्दाम हुसैन सोवियत यूनियन वाइट हाउस दो डिफरेंट वर्ड यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क यॉर्क सिटी ऑयल प्राइसेस नेक्स्ट ईयर चीफ एग्जीक्यूटिव रियल स्टेट ये सारे के सारे कॉलोकेशन सर अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ये पीओएस फिल्टर लगा भी देते हैं ये अभी बायोग्राम के लिए हमें लग रहा है सही चल रहा है व्हाट अबाउट ट्राइग्राम्स और एनग्राम्स उनके लिए फिर हमें नहीं वो फिर ये वाला मेथड नहीं ये फिर ये वाला मेथड जो है ना इट्स नॉट सूटेबल फॉर दैट दैट पर्पस इट विल मेक इट टू एक्चुअली कंबरसम टू
अंडरस्टैंड दैट एन ए ए समथिंग लाइक दैट यू नो वो अजीब सा ही काम हो जाएगा. सो उसके लिए हम आगे जाके देखते हैं कि अगली जो टेक्निक्स हैं मेनली जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं फिर आप वो वाली वहाँ अप्लाई करें. तो जी कंक्लूजन इसका ये है कि वर्क्स वेल फॉर फिक्स्ड फ्रेजेस जो नॉर्मली जो कट्ठी आती हैं अक्सर औकात बट सिंपल मेथड एंड एक्यूरेट रिजल्ट आई रिक्वायर्स स्मॉल लिंग्विस्टिक नॉलेज. बट मसला ये है इसके अंदर कि शी नॉक्ड ऑन हिज डोर. अब नॉक्ड और डोर जो है ये कॉलोकेशन है. मतलब मसला ये है कि दरमियान में जो है ये डिफरेंट जो है वो वर्ड्स आ रहे होते हैं. दे नॉक्ड एट द डोर 100 वुमेन नॉक्ड एट डोनाल्डसन डोर अ मैन नॉक्ड ऑन द मेटल फ्रंट डोर. ये सारी की सारी अगेन नॉक्ड और डोर जो है वो उसके साथ आ रहे हैं. मगर बात वही आ रही है कि फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप है बीच में वर्ड देखिए जो रिपीट हो रहे हैं. सो इनको भी आइडेंटिफाई करना. और फ्रीक्वेंसी मेथड में फिर ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेथड ये कहता है कि जी दो एडजेसेंट वर्ड होने चाहिए इकट्ठे आने चाहिए. मगर यहाँ देख सकते हैं नॉक डोर जो है वो इकट्ठा शायद ही कभी आता है. शायद ही कभी आपने देखा हो कि नॉक्ड और डोर इकट्ठे आ रहे हैं. ओके सो मीन एंड वेरियंस इज द नेक्स्ट मेथड जो हम देखने जा रहे हैं. अगेन मीन जो है वो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो मीन एक्चुअली एवरेज के लिए इस्तेमाल होता है. और वेरियंस जो होता है बाय द वे वेरियंस क्या होता है स्टैट्स में मीन और वेरियंस को चले को बता दे. मीन क्या होगा सर जी सर मीन तो एक्चुअली ये होता है ना कि वो डाटा की एवरेज वो कहां पे लाइक कर रही है कि वो जो वैल्यूज आ रही हैं आप मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं. मिड पॉइंट कह रहे हैं जी. वेरियंस भी एक्चुअली ये रफली ये मिड पॉइंट की ही यानी कि ये चीज होती है एक किस्म की. बेटा एक चीज याद रखनी है बटर कॉन्सेप्ट्स आपने जो है ना बेटा वो ठीक रखने हैं. ठीक है ये अगर सेंटर पॉइंट है लेट्स से बेटा हम इसको कह रहे हैं मीन है ये एवरेज है. तो ये बेसिकली एवरेज क्या होती है कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है और हमने किसी तरीके से उनके एवरेज निकाल ली. और एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है मीन कैसे निकलता है तमाम वैल्यूज को बेटा हम सम करेंगे सम डिवाइडेड बाय काउंट एग्जैक्टली. जैसे ये 100 सम ऑफ वैल्यू ये वही है जो मैथमेटिकल एवरेज होती है और उसको आप नंबर ऑफ एन से डिवाइड कर देंगे ये एवरेज आ गया. अच्छा कोई चीज इस एवरेज से कितना जिसे कहते हैं हटके है या डिफरेंट है दैट इज वेरियंस. तो वेरियंस दरअसल मेजर करती है कि अगर एवरेज ये है तो कोई चीज इससे कितना हटके है. ठीक है दैट इज वेरियंस. अच्छा अब वेरियंस क्यों मापते हैं क्या जरूरत है क्यों जनाब बताएंगे कोई बचा सर ये स्क्यूनेस वगैरह चेक करने के लिए कि कितनी स्क्यूड है हमारा जो हमारा वो ग्राफ बन रहा है. कोई एग्जांपल दें ना कोई रियल एग्जांपल देके बताएं कि वेरियंस की कहां जरूरत पड़ेगी आपको. सर वेरियंस की जरूरत हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसी में देख लेते हैं ये जो हमारा डाटा सेट चल रहा है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जो करेक्टर्स हैं उनके नंबर काउंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी बेस. ठीक है ठीक है इसमें मैं एवरेज जी सर चले मैं एक आसान सी आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से हम सॉफ्ट ड्रिंक बाय करते हैं कोई भी पेप्सी कोक मिरिंडा श्रिंडा जो आपको पसंद है. लेट्स से उसके ऊपर लिखा हुआ है 300 ml उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 300 ml है. लेकिन जब वो एक याद रखिएगा जो कोई भी बॉटलिंग प्लांट है या कोई भी मशीन है जो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है ये मुमकिन ही नहीं है उसके लिए कि वो एक ही एवरेज पर जो है वो तमाम चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी. उसमें फ़र्क आएगा. होता क्या है अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा 200 ml लेकिन साथ में ना आप देखेंगे कि वेरिएशन आएगी यानी प्लस माइनस दोनों तरफ हो सकता है मे बी 2 ml का फ़र्क हो. यानी किसी एक में बॉटल में आपको 302 ml भी मिल सकता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को 298 ml भी मिल सकता है ड्रिंक उसके अंदर. तो ये वाला जो प्रोसेस है ये मापना देखें 300 हमारी एवरेज आ गई और हम माप रहे हैं जी हमारा उससे डिफरेंस कितना है दैट इज़ वेरियंस. और क्यों मापते हैं बेटा
याद रखना ये जितना ज्यादा निकलता जाएगा इसका मतलब है हमारे जो प्रोसेस है ना, जो बना रहे हैं हम कोई चीज या कोई क्रिएट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो वेरिएंस को इसीलिए मापते हैं कि जज करने के लिए कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है, एक मीन जो हमने सेट किया हुआ है, हमारी जो चीज एक्चुअली बन रही है उस मीन से कितना आगे पीछे। अगर तो बहुत करीब है उसके तो फिर तो ठीक है, हमारा वी आर ऑलमोस्ट एट 100%। लेकिन अगर उसमें वेरिएशन या वेरिएंस ज्यादा है इसका मतलब है हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। ओके जी सर। जी बेटा बात समझ आ रही है आपको? जी सर। जी ये होता है बेटा मीन और वेरिएंस। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो चीज भी पढ़े ना जरा उसको गौर से देखा करें कि उसका मीनिंग क्या है। हम लोग वो मैकेनिकल चीजें तो पढ़ लेते हैं, यार ये निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन फंस जाते हैं जब उसको, फिर आप रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। चले ये था जी मीन और वेरिएंस, हम इन दोनों चीजों को देखते हैं जी। और ये अगेन 1993 में ये पेपर के थ्रू ये आइडिया दिया गया था। और वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेज बिटवीन टू वर्ड्स इन ए कॉर्पस। अगेन ये बायोग्राम की बात बेटा हो रही है, याद रखिएगा टू वर्ड्स हैं। तो वो कहता है कि जी कि दो जो वर्ड्स हैं ना उनकी डिस्टेंस मापें इन अ कॉर्पस। अच्छा ये होता क्या है, अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ वर्ड्स विद लो वेरिएंस। और जब बेटा हमारे पास एक एवरेज डिस्टेंस की आ जाएगी ना, फिर हम देखेंगे कि उनमें वेरियंस कितनी है। और जितनी कम वेरियंस होगी जाहिर है वो उतने क्लोजली रिलेटेड होंगे, जितनी उनमें ज्यादा वेरियंस निकलेगी वो उतने ही लेस जिसे कहते हैं क्लोजली रिलेटेड होंगे। ये आइडिया है चीज का। अ लो वेरिएंस मींस दैट द टू वर्ड्स यूजुअली अकर एट अबाउट द सेम डिस्टेंस। अ लो वेरिएंस गुड कैंडिडेट फॉर कोलोकेशन। ओके ये बेटा पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर। हमने डिस्टेंस मापना है, फिर हम डिस्टेंस के बाद एक वेरिएंस मापते हैं, और वेरिएंस के मेजरमेंट के दौरान हमें अगर लो वेरिएंस है तो इट मींस के दे आर गुड कैंडिडेट्स फॉर अ कोलोकेशन। अगर वेरिएंस ज्यादा है मींस के दे आर लेस इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोलोकेशन। वी नीड अ कोलोकेशन विंडो टू कैप्चर कोलोकेशंस ऑफ वेरिएबल डिस्टेंसेस। ये है कोलोकेशन विंडो के लेट्स से ये दो वर्ड्स हैं तो इनके दरमियान कितने मैक्सिमम वर्ड्स आ सकते हैं। लेट्स से दे नॉक्ड एट द डोर, या मे बी ये दरमियान में और भी ज्यादा वर्ड्स आ सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द कोलोकेशन विंडो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल गौर से देखिएगा, थ्री वर्ड विंडो की एग्जाम्पल है जी ये, और आपने देखना है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए थ्री वर्ड विंडो। फॉर एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, दिस इज एन, थ्री वर्ड्स को एक एक बना लिया गया, फिर इज एन एग्जाम्पल एंड एन एग्जाम्पल ऑफ एंड सो ऑन। तो टू एक्चुअली वर्ड कोलोकेशंस के लिए, फिर दो दो वर्ड्स को दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल, ये देखें एग्जाम्पल इफ ऑफ ए थ्री थ्री वर्ड वर्ड विंडो। ये नोट कीजिएगा जो है वो टू वर्ड की विंडोज हैं, लेकिन दिस एन भी हो सकता है, इज एग्जाम्पल भी हो सकता है, एन इफ भी हो सकता है, एग्जाम्पल ए भी हो सकता है, ऑफ थ्री भी हो सकता है, ऑफ वर्ड भी हो सकता है, थ्री विंडो भी हो सकता है। सो दीज आर द वेरियस डिस्टेंसेस यू समझ लीजिए जो अमंग द वर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं और जो पॉसिबल विंडोज जो बन रही हैं, इनके कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं। नाउ मीन सिंपल वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। और उसके लिए जाहिर है ये जो है ये मीन निकालने, मीन को जो एक्स बार भी बोला जाता है, तो दिस इज एक्स बार। ओके तो होता क्या है कि अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं हमारे पास एक्स वन टू एक्स एन, उनका बेटा हमने मीन लेना है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज ए सिंबल जो कि यूज होता है फॉर सम टोटल एड। और ये कह रहा है आई वन से लेके एन तक, यानी ये वन से लेके एन तक जितनी वैल्यूज आ रही हैं एक्स ऑफ आई, तो शुरू में एक्स ऑफ वन को ऐड करो, फिर एक्स ऑफ टू को ऐड करो उसमें, फिर एक्स ऑफ थ्री को ऐड करो एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली हम उसको एन पे डिवाइड कर देंगे। तो जो वेरियंस होती है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वेयर होता है, एस स्क्वेयर वेरियंस। और वेरियंस का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि हम नोट कीजिएगा सम निकालते हैं एक्स आई का एक्स बार से, यानी हमें उसके लिए जाहिर है सबसे पहले ये मीन चाहिए,
तो हम हर वैल्यू का मीन से डिस्टेंस निकालेंगे, माइनस का मतलब होता है डिस्टेंस निकालना, फर्क निकालना, उसका स्क्वायर ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे ओवर एन माइनस वन, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे एस स्क्वायर का, जो भी वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाती है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस। तो ये तो फॉर्मूला वो है जो आपने स्टडी किए होंगे। सो द मीन इज द एवरेज ऑफसेट, द मीन इज द एवरेज ऑफसेट साइंड डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इन अ कॉर्पस। तो ये होता है जी मीन की डेफिनेशन यहाँ पर, जो अगर आप वर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस की बात करेंगे, कोलोकेशन की बात करेंगे, तो मीन जो होगा वो एवरेज ऑफसेट यानी साइंड डिस्टेंस होगा बिटवीन टू वर्ड्स। The variance होगी, it measures how much individual offsets deviate from the mean. वही बात आ गई कि हमने जो mean decide किया हुआ है, mean जो पता है हमें। Sir, जी sir, यहाँ पे एक word use हुआ है offset। जी जी ये कौन से set होते हैं? ये offset होता है difference। offset का मतलब होता है difference। ठीक है sir। ठीक है difference होना, फर्क होना। तो ठीक है सर, जो है वो जाहिर है इंडिविजुअल ऑफसेट यानी डिफरेंस जो है जो जो निकलता है वो उसको डिविएट फ्रॉम द मीन से मुराद ये होती है कि मीन से कितना आगे पीछे है। डिविएट मतलब चेंज होना, हटना, फर्क होना। तो डिस्टेंस हम निकालते हैं। ओके, और अगेन ये वही फॉर्मूला है बेटा जो हम पीछे देख चुके हैं वेरियंस को फाइंड करने का। यहाँ पर डी का वर्ड यूज हुआ है, डी मीन्स दो, याद रखिएगा हमने देखने याद रखें, हमने अब वर्ड्स की बात करें तो हम वर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस की बात करेंगे। यहाँ पर हम वहां पर वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम डिस्टेंसेस को के दरमियान बात करेंगे। डी ऑफ आई होगा, ये यहाँ पर दिया भी हुआ है, डी ऑफ आई इज द ऑफसेट ऑफ द आईथ पेयर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी जो भी कैंडिडेट्स हम जिनको देख रहे हैं वर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी आई है, और डी बार जो है वो मीन ऑफसेट है, वो मीन है उस डिस्टेंस का। एंड एन क्या होगा, इज द नंबर ऑफ टाइम्स टू वर्ड टू कैंडिडेट्स co-occur। ये भी याद रखना जी आपने कि जिन दो वर्ड्स की बात हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने टाइम्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन जो होगी वो ये होगी। तो इफ द ऑफसेट डी आई, जाहिर है दो वर्ड्स का जिनको हम जिनको कह रहे हैं कि ये दोनों एक इंटरेस्टिंग कोलोकेशन बन सकते हैं, अगर उनका जो डिस्टेंस है अगर वो सेम है, अगर वो सेम हो जाए इन ऑल अकरेंसेस, इसका मतलब है वेरिएंस जो होगी उनकी वो क्या हो जाएगी, जीरो, और वो डेफिनेटली अ कोलोकेशन होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस जाहिर है सेम होगा तो जो एवरेज हमारी निकलेगी जाहिर है हमारी वेरियंस जो है वो बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि डिस्टेंस उनका हर कॉम्बिनेशन में सेम है, तो वो फिर डेफिनेटली एक कोलोकेशन होगा। अगर उनका डिफरेंस डिस्टेंस ऑफसेट्स डी आई रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो यानी वो रैंडम डिस्टेंसेस निकल रहे हैं, तो वेरिएंस हाई निकलेगी एंड डेफिनेटली नॉट ए कोलोकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मीन से डिस्टेंस बहुत ज्यादा निकलेगा तो वो फिर डेफिनेटली कोलोकेशन नहीं होगी, क्योंकि वेरियंस होगी, और अगर मीन से डिस्टेंस सर अगर ये डिस्टेंस कम निकलता तो वो कोलोकेशन होगी या मतलब क्या होगा, वो डिपेंड करता है वेरिएंस कितनी बन रही है। अगर तो वेरिएंस बहुत कम है, लो है, समझ लीजिए उससे कोलोकेशन लिया जा सकता है। सर एक तो जीरो होगी ना, जीरो से हट के मतलब कितना, मतलब ये हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, ये इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, मसलन के जीरो पे जो है वो कंफर्म कोलोकेशन है, तो 0.2 पे जो है वो उसके बाद आपने डिसअलाउ कर दिया, ऐसा कोई रूल है नहीं। ठीक है सर, ठीक है ना, तो ये तो बेटा देखना पड़ेगा और परहैप्स कोई एग्जांपल आगे आती है तो उसमें देखते हैं। चलें ठीक है, लेकिन द रूल जो है वो बहुत आसान सा है, हमने एवरेज निकालनी है, लेकिन अगेन बेटा हमने डिस्टेंसेस पे बात करनी, ये वाला फार्मूला आपको जबानी समझ लें ज़हन में होना चाहिए आपके जब आप वर्ड्स की बात करें, तो डी आई माइनस डी बार होगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द वर्ड्स, और n है वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिन दो वर्ड्स की बात हो रही है, क्योंकि हम बायोग्राम्स की बात कर, फिर हमने रूल एक तरह से लिख लिया या अपनी आसानी के लिए कि अगर डिस्टेंस उनका जो di है ऑफसेट है वो जीरो है तो वेरिएंस जीरो है तो कोलोकेशन है, अदरवाइज कोलोकेशन नहीं है। ओके, तो टेक्निक जो है बायोग्राम्स का अगर हम बात करें टू वर्ड्स की तो वो कैसे होगी, produce all possible pairs in a window, consider all possible pairs
विंडो एज कैंडिडेट्स, यानी दो दो का वो बायोग्राम उठाते जाएं और हर पेयर को हम एक कैंडिडेट बना लें, कैंडिडेट समझे, कीप डेटा अबाउट डिस्टेंस ऑफ वन वर्ड फ्रॉम द अदर, उनका डिस्टेंस आपस में देखते जाएं, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच कैंडिडेट अकर्स, और उनकी हम जात में जो है वो फ्रीक्वेंसी भी देखते जाएं। तो मीन एवरेज ऑफसेट पॉसिबली नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी नोट कीजिएगा कि एवरेज समटाइम्स नेगेटिव भी हो सकती है, ये पता ना आपको भाई, हमने एवरेज निकालनी है तो वो एवरेज तो वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट होगी ना, यहाँ पर एवरेज जो है वो डिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो और वेरियंस क्या होगी, ये जो है सिंबल आई होप आपको पता होगा कि सिग्मा होता है ना, ये इसको सिग्मा ही कहते हैं ना, तो ये वेरियंस इस्तेमाल होते हैं। जी सर। तो लेट्स सी सम एग्जांपल एक्चुअली। यस, जैसे एग्जांपल है विंडो साइज क्या है 11 अराउंड नॉक, यानी नॉक के 5 लेफ्ट और 5 राइट का ना मार्जिन है हमारे पास, के नॉक्ड एट द डोर काइंड ऑफ, वो वाला जो है कि नॉक जो है वो सेंटर में अगर है तो नॉक से 5 हम लेफ्ट पे भी वर्ड्स आ सकते हैं और नॉक के हमारे पास राइट पे भी 5 वर्ड्स आ सकते हैं। तो और इंक्लूडिंग अगर हम नॉक को भी ऐड कर लें तो 5 प्लस 5 और प्लस 1 ये 11 हो जाता है। शी नॉक्ड ऑन हिज डोर, दे नॉक्ड एट द डोर, नोट कीजिएगा 4 हमारे पास हैं आर डिफरेंट सेंटेंसेस, तो इनका मीन क्या निकलेगा, 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5, ये 3 कहां से आ गया, नॉक के अराउंड जी हमने देखना है बात गौर से आपने बेटा, ये देखिए विंडो साइज क्या बता रहा है, नॉक के अराउंड, ओके नॉक ये है बेटा, गौर से देखना है, नॉक ये है और मैं इधर कलर चेंज कर दूं ताकि नॉक ये है, तो बेटा 1 इसके लेफ्ट पे है, 2 इसके बाद क्या है राइट पे है, तो कितने आ गए टोटल 3। इस तरह गौर से ये देखिएगा कि नॉक्ड अगेन ये है, नॉक के लेफ्ट पे 1 है, नॉक के राइट पे 2 है, अगेन 3। अच्छा ये अब आपने देखना गौर से, नॉक 2 है, 1 2 इधर, 1 2 इधर, गौर से, लेकिन असल में ये 1 नहीं है, ये डोनाल्ड्स एस बी है, अपोस्ट्रोफी एस बी है, तो इसको मोस्टली जो है वो सेपरेट काउंट करते हैं, सो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया, एंड ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5, अ मैन ऑन द मेटल फ्रंट, ये भी आना चाहिए फिर, तो 1 2 3 4 5 पांच ही है, ये 6 हैं, सिक्स है सर। तो मीन जो निकलेगा इनका, इनको ऐड कर लें आपस में, तो ये डिस्टेंसेस हैं याद रखिएगा, ये डी आईज हैं ये सारे, तो ये जो निकल रहा है ये डी बार निकल रहा है, ओके जो पिछली स्लाइड में बात हुई थी, क्योंकि 4 हमारे पास टोटल जो हैं वो सेंटेंसेस हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो आपको पता ही है, डी आई माइनस डी बार जो भी एवरेज निकली है यूं, और इसका जो स्क्वायर होगा ओवर एन माइनस वन, तो वो जी हम तमाम का ले लेंगे यहाँ पर, ओवर 3 स्क्वायर रूट लेंगे, ये 1.15 है, तो ये हमारी क्या आ गई, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये जो 1.15 आ गई, इसका मतलब क्या है कि क्या ये जो है वो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं कि नहीं हैं। अब वही बात आ गई ना, आपने पूछा था जी कि अगर 0 हो को 0 के अलावा अगर कोई वैल्यू आ जाए कितनी हो तो क्या माना जाएगा उसके बारे में, क्या ख्याल है? तो जी जी सर जी, अब हम इस वेरिएंस को जो है ना वो देखेंगे कि ये वेरिएंस कितनी बड़ी है, अगर तो वेरिएंस लार्ज है तो हम कह देंगे जनाब कि ये जो है वो नॉट ए गुड कैंडिडेट, अगर वेरियंस हमारी नजर में कम है तो फिर हम कहेंगे यस दे आर गुड कैंडिडेट फॉर ए कोलोकेशन। तो ये कैलकुलेशन आ गई सबको। सर ये विंडो साइज के वाले से एक छोटा सा क्वेश्चन है, 5 लेफ्ट और 5 राइट मींस हम लोग 10 से ऊपर नहीं जा सकते, अगर 10 से ऊपर डिफरेंस है तो हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे, जाहिर है वो फिर इसमें काउंट नहीं होंगे ना। नॉर्मली देखें, उन्होंने ये देखा है कि नॉर्मली नॉक्ड एट द डोर जो है ना, ये नॉक्ड और डोर इनके दरमियान में कितने वर्ड्स आ सकते हैं, उन्होंने ये काइंड ऑफ एक जनरलाइज करने की बात की है। तो उन्होंने कहा जी कि 11 रख लेते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, 11 वैसे काफी होते हैं, नॉक से पहले 5 और नॉक के बाद 5। जी सर,
काफी बड़ी विंडो साइज है वैसे ये, आप 20 रख लें, 20 रखेंगे तो मे बी और वर्ड्स भी इसमें ऐड हो जाएं, मे बी 20 के अंदर वो इट्स ए लार्जर विंडो जिसे कहते हैं, आपने साइज ज्यादा कर दी है। सो ये जो साइज है ना, ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है, ये भी बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपस में कितना है इनका। बाकी आई थिंक ये कैलकुलेशन तो इजी है, ये आप सबको पता चल गई है कैसे हो रही है। कोई इसमें क्वेश्चन है तो बता दें। एक हमने मीन निकाला जी, और एक हमने नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ओके, अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जी। ओके, ये एक और एग्जांपल आ गई जी इधर। वर्ड वन इज प्लेड, वर्ड टू इज बॉल। जी ऐसे ही हम विंडो साइज रखते हैं जी। जी ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है या ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकता है इसके बारे में? ये बिल्कुल इसका कोई, मेरे नहीं ख्याल कोई स्टैंडर्ड है इसका, क्योंकि जो दो वर्ड्स है ना वो दे कुड बी इन ए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। जैसे यहाँ नॉक्ड और डोर है, तो दे कुड बी इन ए नंबर एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे ये देखे ना, अब नॉक्ड और यहाँ पर तो वो विंडो थी, लेकिन यहाँ जरा देखिएगा कि उसके बाद कितने वर्ड्स हैं। मे बी कोई ऐसा भी हो कि वो इससे भी ज्यादा हो, फोर से भी ज्यादा हो, यानी नॉक्ड और डोर के दरमियान चार से भी ज्यादा हो। तो देर इज नो सच स्टैंडर्ड जिसे आप कहेंगे। तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि जो कॉर्पस है आपके पास, उसमें जो 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 वर्ड्स या सेंटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके दरमियान आपको एक दफा जो है ना थोड़ा सा एनालाइज उन्हें करना पड़ेगा कि कितनी विंडो रखनी चाहिए आपको। देन अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कोई टेक्निक, कोई इतनी अच्छी टेक्निक है नहीं, क्योंकि ये बड़ी लेबर इंटेंसिव है। इसमें देखिएगा आगे जाके जो टेक्निक्स हैं वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं। जी ठीक है सर। तो इसका कोई परफेक्ट आंसर, अच्छा लेस देन वन मिनट का जी मुझे मैसेज आ रहा है, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, इंशाल्लाह यहीं से रिपीट करेंगे। काइंडली इसी लिंक पर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।